नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सिप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था पिछले साल उसका जीएस पेपर वन और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके इकतालीस से लेकर पचास तक तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनोट्यूब नैनोट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो लिखा हुआ दे कैन बी यूज एज द कैरियर्स ऑफ द ड्रग्स एंड द एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सही है एज अ कैरियर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग और एंटीजेंस के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर नेक्स्ट लिखाओ दे कैन बी मेड इंटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है दे कैन बी यूज इन द बायोकेमिकल सेंसर्स इसमें भी यूज़ किया जा सकता है कार्बन नैनोट्यूब जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं ये भी आपका सही है तो आंसर बनेगा आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड द फोर्थ इज द राइट आंसर तो पढ़ लेते हैं देखो लिखा हुआ है कि कार्बन नैनोटिव दीज आर सिलेंड्रिकल दैट कंसिस्ट ऑफ द रोल्ड अप अपट ऑफ द सिंगल लेयर कार्बन एटम्स ग्राफिन इसमें लगा होता है ग्राफिन एक एलोट्रॉप है ये आपने याद रखना है इट्स ऑफ कार्बन आगे लिखा हुआ है देयर आर द सिंगल वॉल्ड विद अ डायमीटर ऑफ द लेस देन वर्ल्ड नाइनोटिव का क्या होता है आपका डायमीटर होता है ये आपने याद रखना है टेन टू द पावर माइनस नाइन के आसपास होता है ये एंड मल्टी वॉल्ड नैनोट्यूब विद द डायमीटर रीचिंग मोर दैन द हंड्रेड नैनोमीटर दीज आर केमिकली बाउंडेड विद द एस पी टू बॉन्ड्स विच इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द मॉलिकुलर इंट्रैक्शन दे डेवलप अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ एंड द लो वेट मेटेरियल दट द हाई कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल अंड थर्मल प्रॉपर्टीज अब देख लीजिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है हाईली होती है और हाईली इलेक्ट्रिकल होती है और थर्मल होती है कार्बन नैनोट्यूब सा द प्रोमिसंग ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म दैट कैन बी फंक्शनाइज with a variety of the biomole biomolecules such as the antibodies uh, proteins and the antigens and the dna carbon nanotubes can easily uh, penetrate cells and improve the pharmacological and the uh, therapeutic uh, therapeutic profile and the effic uh, efficacy of the drug तो ये पहला वाला था आपका सही हो जाता है कार्बन ये पैरिट्रेट कर सकता है सेल को इंप्रूव कर सकता है फार्माकोलॉजिकल को और आपका जो थैरापिटिक प्रोफाइल होती है उसको भी क्या कर सकता है आपका एफिक, एफिकेसी को क्या रख सकता है ड्रग को बना रख बना के रख सकता है नेक्स्ट लिखा हुआ है द बायोटेक्नोलॉजी फैस द मेकिंग ऑफ द नैनो डिवाइस यूजली ब्लड कॉम्पेटिबल नैनो मेटेरियल्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बायोमेडिकल एप्लीकेशन सच एज द आर्टिफिशियल इंप्लांट्स

टेस्ट किए जाते हैं जैसे आपका आई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो टेस्ट ट्यूब पर भी होता है उस तरीके का कुछ ठीक है ना इन्वाइटर फर्टिलाइजेशन जिसे बोला जाता है तो इसमें लैब का आपका इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक बायो मार्कर सिग्नेचर विच इज बेस्ड ऑन द इनकॉपरेटिंग वर्टिकली अलाइंट कार्बन नैनो ट्यूब एज द नैनो इलेक्ट्रोड एरेज इन द डायग्नोस्टिक्स डिवाइज इट हैज बिन डेमोस्ट्रेटेड दट द फंशनाइज द कार्बो नैनो ट्यूब्स कैन बी डिग्रेडेड बाई द ऑक्सीडेटिव एनजाइम्स मट्टीपल टाइप्स ऑफ द माइक्रोव इंक्लूडिंग द बैक्टेरियन द फजाइल ट द कार्बन नैनोटिव सी एन टी ग्राफी जैसे इसका एग्जाम्पल एंड दियर डेरेवेटिवस तो ये कुछ ये आपका कुछ नैनोटिव इस तरीके के कुछ फंक्शन उसमें देखने को मिलते है इस तरीके का कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके के कुछ आपका वो देखने को मिलता है अगर मैं कार्बन की कुछ एलोट्रॉप्स की बात करूँ तो एक तो ग्रेफाइड होता है आपका एक डायमंड होता है आपका बी सी एट होता है आपका इसके अलावा बगमिस्टर फ्लोरिन होता है आपका नैनोटिव्स आ गई और ग्रेफीन होता है आपका ये आप याद कर सकते हैं Uh, बाकी जो होते हैं आपके जैसे ग्रैफिन हो गया ये आपका टू डायमेंशनल होता है जो आपके जैसे क्या बनती है आपकी ग्रैफिन से जो आपकी बनती है वो बनती है आपके जो नॉन uh, ब्रेकेबल जो आपके क्या होते हैं ग्लासेज होती हैं लगी हुई नॉन ब्रेकेबल जो आपकी स्क्रीन होती है uh, बोल सकते हैं जो आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उसमें जो आपका जैसे टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं तो वो बनी होती है ठीक है ना तो ये आपने याद रखना है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है स्प्रिंग uh, लिखा हुआ तो कंसिडर द फॉलो एक्टिविटीज स्प्रिंग स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप फील्ड इंस्पेक्टिंग द करिएटर ऑफ द एक्टिव वॉलोज कलेक्टिंग ब्रीथ सैम्पल फ्रॉम द स्पाउटिंग व्हील्स फॉर द डी एनाल द प्रेजेंट लेवल अब यहाँ से क्वेश्चन आपने पहले यह पढ़ना है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एब एक्टिविटीज़ कैन भी सक्सेसफुल कैरिड आउट बाई द ड्रोन अच्छा ड्रोन से हम क्या क्या कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है पेस्टिसाइड्स को छिड़क सकते हैं जो आपकी क्या फसलों पर फसलों या जो फसल के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बिल्कुल सही है इंस्पेक्टिंग द करिएटर्स ऑफ द एक्टिव वॉलो क्रिएटर मतलब होता है जो मूव होता है किसका आपका ज्वालामुखी का तो उसको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है और कलेक्टिंग द ब्रीथ सैम्पल फ्रॉम द स्पाउटिंग व्हील्स आप जानते हैं जो ब्रीथिंग होती है एक छेद टाइप का होता है जो आपकी वेल होती है उसके ऊपर यहाँ पर एक होता है जहाँ से वो क्या करती है सांस लेती है और याद रखिए कि जो आपकी वेल होती है वो एक मैमल है ठीक है ना सन पाई है और इसमें गर्ल्स नहीं पाए जाते इसमें क्या है? होते हैं लंग्स होते हैं तो सांस लेने के लिए थोड़ा सा क्या आना पड़ता है सरफेस में आना पड़ता है और आपने देखा एक फुहरा टाइप का निकलता है तो यहाँ पर उसका क्या होता है वो ब्रीथिंग पॉइंट होता है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं डी एनलाइसिस के लिए ये भी आपका सैंपल लिए जाते हैं बाई ड्रोन्स तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर तीनों आपके सही होंगे तो लिखा हुआ ड्रोन रेफर्स टू द एन अनमेंड एरियल व्हीकल याद रखना इसे यू ए भी बोला जाता है किसको ड्रोन्स को अनमेंड एरियल व्हीकल डिफरेंट ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ द ट्रैवलिंग वेरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस द क्लोज रेंज ड्रोन्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैवल अप द द्री माइल्स एंड आर मोस्टली यूज

The drones can be used for the spraying the pesticides on the crop field. However, the Ministry of the Agriculture of India clarified that the no permission or approval has been granted by the Central Insecticide Board. ये कोई इसमें कोई आ, बोल सकते हैं कि आपको परमिशन नहीं मिली है फॉर द स्प्रिंग ऑफ द पेट्टीसाइड यूजिंग द ड्रोन्स बट ड्रोन्स कैन भी यूज फॉर द स्प्रिंग द पेस्टिसाइड्स एंड मैनी फार्मर्स इन इंडिया इन द सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री अभी जो कोविड आपका चल रहा था तो क्या हो रहा था कि आपके ड्रोन्स के थ्रू क्या की जा रही थी ड्रोन्स के द्वारा आपके जो क्या थी बोल सकते हो आपका जो सैनिटाइज किया जा रहा था शहरों को तो बाय ड्रोन्स भी किया जा रहा था ये आपने याद रखना है द रिसर्चर फ्रॉम द सेंटर फॉर द जियो साइंस द इन जर्मनी यूज ड्रोस इक्विप्ड विद द विजुअल एंड थर्मल कैमराज टू स्टडी एंड द एक्टिव सेंटा मारिया वॉल्किनो तो ये जर्मनी में आपका हुआ था वहाँ पर एक वॉल्कनो सेंटा मारिया वॉल्किनो तो वहाँ पर क्या हुआ था आपका लोकेट इन द गोटेमाला सॉरी 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 जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया था ड्रोन का यूज किया था सेंटा मारिया वॉल्किनो है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया था मे ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है उसके क्रेटर को देखने के लिए तो सेकंड सही हो जाता है नेक्स्ट आता है ब्रीथ सैंपल फ्रॉम हम बैक वेल इन दैगन बैग नेशनल मरीन सेंचुरी ऑफ कोस्ट ऑफ द यूएसए में ट्वेंटी फिफ्टीन में तो तीनों आपके क्या हो जाते हैं सही हो जाते हैं अगर देखेंगे तो कुछ अलग अलग हैं जैसे डिकोडिंग ड्रोन्स तो इंडिया न्यू यू, यू ए बी आर्मी पॉलिसी इसमें कुछ चेंजेस हो गए हम शायद से तो हल्का फुल्का बता देता हूँ कि आपके नैनो जो आपके ड्रोन्स आते हैं ये लगभग पंद्रह मीटर तक आप उड़ा सकते हैं और इनका जो वेट कैटेगरी होती है ये आपने याद रखना है कि लगभग जो होता है दो सौ पचास ग्राम से कम होता है ठीक है ना दो सौ पचास ग्राम से इनका वेट कम होता है पंद्रह मीटर तक आप उड़ा सकते हैं कहीं पर भी उड़ा सकते हैं रेडी टू फ्लाई होता है अच्छा जो आपके माइक्रो uh, होते हैं जो आपके लगभग दो के जी से कम के होते हैं साठ मीटर तक आप इसे उड़ा सकते हैं पर इनके लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर गैदर करना होता है यू आई एन होता है और डिजिटल स्काई फॉर द फ्लाइंग परमिशन आपको लेनी होती है अच्छा जो कहीं भी उड़ सकते हैं उनके लिए एक यू आई एन नंबर होता है डिजिटल स्काई फ्लाइंग परमिशन तो चाहिए होती है उसके अलावा अनमेड एयर uh, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन परमिट भी अच्छी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ द स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इनफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्ुलेटर ट्राइंगल तो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है ठीक है ना जो इक्ुलेटर ट्राइंगल फॉर्मेशन में आपका आ, किसका इस्तेमाल किया गया था ये बोल रहा है दैट हैज़ अ साइड वन मिलियन किलोमीटर जबकि साइड कितना अलग वो वन मिलियन किलोमीटर के साइड uh, में बिल्कुल लगा हुआ तो वन किलो वन मिलियन किलोमीटर आपका यहाँ पर क्या है आपकी डिस्टेंस है तीनों में वन मिलियन किलोमीटर और यहाँ पर भी वन मिलियन किलोमीटर है लॉन्ग विद द लेज़र साइनिंग बिटवीन द कराफ्ट और इनके बीच में क्या लेज़र साइनिंग बनती है द एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन रेफर्स टू तो ये लीजा मैं पढ़ लेता हूँ देखो लिखा हुआ है लीजा की फुटबॉल मतलब इंटर फेरोमीटर स्पेस एंटीना इट इज़ अन्टर फेरो मेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेट इन द स्पे विद थ्री स्पेस क्राफ्ट इन द हिलोसेंट्रिक ऑर्बिट एंड द मिलियंस किलोमीटर आम लेंथ एलिजा इज अशन एमिंग एंड द एक्सप्लोरिंग द ग्रविटेशन यूनिवर्स फ्रॉम द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम अगले इट इन्वॉल्व द साइंटिफिक साइंटिस्ट फ्रॉम एट यूरोपियन कंट्रीज डेनमार्क अब देखो कौन कौन से थे डेनमार्क हो गया फ्रांस जर्मनी इटली नीदरलैंड स्पेन स्विट्जरलैंड एंड द यूके एज वेल एज द सपोर्ट ऑफ द सेवरल यूएस बेस्ड वंस वन मिशन जो था इट कंसरीज द मदर एंड द टू डॉटर स्पेस तीन थे जिन्हें यानी कि इक्वलेटर ट्राइंगल से, सेट करना से था द थ्री सेटेलाइट विल फॉम प्रशन इंटर फेरोमीटर विद द टू डॉटर स्पेस क्राफ्ट कनेक्टेड टू मदर वन बाय द वन मिलियन किलोमीटर लॉन्ग लेसर बीम्स के थ्रू द interferometer विल be कैपेबल ऑफ द डिटेक्टिंग द ग्रेवस एट फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज ऑफ द जीरो पॉइंट वन मेगा हज टू वन हर्ज आगे लिखा सच अ फ्रिक्वेंसी इंटरवल इज नॉट एक्सेसिबल ऑन द ड्यू टू द आर्म लेंथ लिमिटेशन कम होती है एल इज एज डिजाइन विद दऑर्बिट दैट अलाउ द थ्री सेटेलाइट टू मेटेन दर नियर इक्विटरल ट्राइंगल कॉन्फिग्रेशन आगे लिखा दो पासिंग ग्रेविटेशनल प्रॉपर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द्राफ्ट विच विल भी सेंसड बाई द डिटेक्टर ऑन ईच स्पेस क्राफ्ट

तो उनके स्टडी के लिए भेजा गया था इट ऑल्सो डिस्कवर फोटीन मून एट द जुपीटर इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू द फ्लाई पास यूनिवर्स वाइजर टू और वॉइजर फर्स्ट जो थे वो नाइनटीन सेवेंटीज के आसपास से छोड़े गए थे आपके ठीक है ना नेक्स्ट लिखा हुआ नासा न्यू हॉरीजो तो लिखा हुआ स्पेस क्राफ्ट इज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर द प्लूटो द न्यू हॉजॉन मिशन इज करंटली एक्सटेंडेड थ्रू द 2021 ट्वेंटी वन टू एक्सप्लोर द एडिशनल क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट क्यूपर बेल्ट ये बाहर की बेल्ट होती है मोस्ट बेल्ट है आपकी किसकी सोलर सिस्टम की एक आपकी एस्ट्रॉड बेल्ट आती है अंदर की तरफ ये याद रखना आप तो इस तरीके से जैसे आपका पहले कौन सा था अगर मैं आठ प्लेनेट बता दूं ये मैंने आठ प्लेनेट बना दिए तो मान लीजिए यहाँ पे सन है यहाँ पे क्या सन है तो जो आपका क्या है ये चार ये चार गैसे ये आपके गैसेस प्लेनेट हैं या आपके टे, कैसे टेरिस्ट्रियल प्लेनेट्स हैं जिसमें से जिस आपका पहले कौन सा आ जाता है यहाँ आ जाता है आपका बुद्ध फिर आता है शुक्र फिर आता है पृथ्वी फिर आता है मंगल ठीक है ना फिर आता है बृहस्पति फिर शनि फिर अरुण और फिर वरुण अगर इंग्लिश में बोलू तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका कौन सा आ, पहला आता है आपका कौन सा मरकरी आता है फिर आपका वीनस फिर अर्थ फिर मार्स फिर जुपिटर फिर सेटर्न फिर आपका क्या आता है नेपच्यून आता है फिर आता है लास्ट प्लूटो तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि जो बीच में आपकी यहाँ पर जो आपकी पड़ती है जो आपका मार्स और जो आपका क्या है जुपिटर है उसके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है और लास्ट में आपकी क्या जाती है क्यूपर बेल्ट आती है तो ऑटोमोस्ट लेयर बोला जाता है किसका हमारे सोलर सिस्टम कैसे नेक्स्ट आता लीजा पाथ मिशन दैट सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेटेड टेक्नोलॉजीज नीडेड टू बिल्ड अ फ्यूचर स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी फॉर डिटेक्टिंग द रिपल्स इन द स्पेस टाइम प्रोड्यूस बाय द मर्जिंग ब्लैक होल्स तो ब्लैक होल्स को खोजने के लिए था आपका ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लान्स सफ़ फॉलो अप मिशन द लेजर इंटरफेरोटर स्पेस एंटना लीज़ा इन द ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी फोर तो अभी लोग इसमें चौदह साल अभी रह रखे तो इस तरीके से आपका क्या था इसको फॉर्म करना था तो यहाँ पर एक मदर है और दो डॉटर आपके क्या है यहाँ पर बोल सकते हैं इंटरफेरोमीटर यहाँ पर लगे हुए हैं तो ये लीज़ा आपका एवॉर्ड लीजा है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो लिखा कौन सा आपका क्या करेक्ट है देखो जेंटिकल चेंज चेंज कैन बी इंट्रोड्यूज इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस द एग और द स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स सही है अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एंड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज वहाँ पर भी कर सकते हैं बिल्कुल सही है ह्यूमन इंड्यूज प्लरी पोटेंट स्टेम सेल कैन भी इंजेक्टेड इंटू द एम्प्रियो ऑफ अ पिग बिल्कुल सही है आंसर बन जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर So they uh, pulled the germline gene therapy. So under this therapy, required DNA is the transfer into the cell that produces the reproductive cells egg or the sperms in the body. It allows for the correction of the disease causing the uh, gene variant that are certain to be passed down from the generation to generation. Somatic cells gene therapy is when the therapeutic uh, genes are transferred to the patient's somatic cells. Any modification and any effect are restricted only to that patient. एंड आर नॉट इन्हैरिटेड बाई द फ्यूचर जनरेशन तो ये देख लीजिए जैसे आपके स्पम सेल्स हैं या आपकी क्या एक्स सेल्स हैं तो जब क्या होता है आपका ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है स्टार्ट तो आपका सोमैटिक सेल्स फॉर्म के थ्रू आपका क्या बनता है इंसान जैसे बन गया अगर इंसान की अगर बात की जाए जो आपकी जम लाइन या जम सेल्स होती है उसके बाद ये चेन आपकी चलती रहती है यह या आप याद लगा सकते हैं अगर मेल है तो क्या चलेगी आपकी स्पम सेल्स चलेंगी और अगर फीमेल है तो आपका एक्स सेल्स चलेंगी लिखा हो जीनोम एडिटिंग तो इट इज़ अ मैथड दैट लेट्स scientists change the dna of the many organisms, including the plants bacteria and the animals it can lead to the change in the physical traits like the eye color and the disease risk the genome, uh, genomic editing system is mostly injected into the cytoplasm of the zygotes or the into pre implantation uh, implantations embryos after which genetics screen is used to select the embryos with the corrected uh, genome pat uh, genomic pattern in the absence of the detectable of

The researchers tried co combining human-induced pluripotent stem cell with the pig embryos. Many of the embryos were much smaller than the normal and seemed to grow more slowly. And so far, there has not been a success in uh, growing the human organs in the pigs. But uh, this uh, uh, experiment shows the human-induced uh, pluripotent cells can be injected into the pigs' embryo. Chalo, aage Next question: aata, what is the importance of the using the pneumococcal? कंजुकेट वैक्सीन इन इंडिया तो पहला था दीज वैक्सिन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यूमोनिया बिल्कुल सही न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होती है ये आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड होती है ठीक है ना कोकाई बैक्टीरिया का को जो साइज होता है उसके हिसाब से कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आपका कोकाई बैक्टीरिया होता है ये आपने याद में गोल सेप में होता है ऐसे अभी दिखा दूंगा आपको आगे तो न्यूमोनिया के लिए होता है और इसके अलावा मैनजाइटिस और सेप्सिस के लिए होता है बिल्कुल सही है डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस बिल्कुल सही है द वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट और एंड कॉज नो एलर्जिक बिल्कुल अरे वैक्सीन का होता ही होता है कुछ ना कुछ आपको सौ में से एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आप आप देख देख रहे होंगे कोविड की वैक्सीन है तो एफिकेसी रेट क्यों बोल रहे हैं कि अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट है तो वो जो आपका टेन परसेंट पंद्रह बीस परसेंट चलता है वो आपका क्या चलता है वो चलता है आपका साइड इफेक्ट का तो ये तीसरा वाला तो गलत हो जाता है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे तो आंसर जो बन जाएगा फर्स्ट एंड द सेकंड इज द राइट आंसर तो देखा न्यूमोकोकल डिसीजेज इट कॉज बाय द बैक्टीरिया विच कैन लीड टू द इफेक्सियस इन द लंग्स ब्लड एंड द ब्रेन इनको टारगेट करता है इट काज द हेल्थ प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन यंगर द दाइव इयर्स ऑफ द एज द ग्रेटेस्ट इज फॉर द इनफेक्शन इज फॉर द चिल्ड्रन यंगर देन द टू एडल्ट ओवर द सिक्सटी फाइव पीपल विथ सर्टेन मेडिकल कंडीशन आर सिगरेट्स स्मोकर्स इनके लिए क्या दिक्कत होती है दो साल से छोटे बच्चे पैंसठ साल से जिनकी उम्र ज़्यादा होती है या फिर जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए ये न्यूमोकोकल डिसीज़ चांसेस क्या होते हैं ज़्यादा खतरनाक हो सकते चांसेस ब्राइट होते हैं इसके होने के दिस डिसीज़ ऑल्सो इंक्लूड द निमोनिया मैनन्जाइटिस सेप्सिस ब्लड इन्फेक्शन एंड द एयर इन्फेक्शन द न्यूमोकॉकल कंजुगिट वैक्सीन पी ये आपने याद रखना है न्यूमोकॉकल कंजुगिट वैक्सीन पी एंड द polysaccharide vaccine ppsv-23 protect against the pneumococcal infections. pcv 13 protect against the 13 type of the pneumococcal bacteria. ppsv-23 protect against the 23 types. these vaccines prevent the infection in the children who get them and help stop the infections from the spreading to other. the growing resistance of the s uh, pneumo. pneumonia to uh, commonly use the antibiotics underlines the need of the vaccine to be used to control the pneumococcal diseases. आगे लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस द जर्म्स लाइक द बैक्टीरिया एंड द फाय डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिजाइन टू किल देम द द डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेसिटेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस तो सेकेंड वाला सही हो जाता है मोस्ट पीपल हु गेट द न्यूमोकोकल वैक्सीन डू नॉट हैव एनी सीरियस प्रॉब्लम विद इट दीज आर यूजली माइल्ड एंड गो अवे ऑन दियर ओन विद इन अ फ्यू डेज बट सीरियस रिएक्शन आर पॉसिबल हो सकते हैं तो तीसरा वाला गलत हो जाता है ये सेफ ऑफ बैक्टीरिया तो मैंने बताया कोकाई बैक्टीरिया तो एक कौन सा था है स्टेप्टो कोकाई आता है इस तरीके से ये चेन बनती जाती है आपकी डिप्लो कोकाई होता है दो होता है अच्छा एक होता है टैट्रेड ये चार का बनता है एक होता है आपका आपका स्टेफली कोकाई तो ये आपका इस तरीके से बनता है एक होता है सार्किना तो इस तरीके से आपको देखना एक होता है बेसली वाले ये कैप्सूल साइज के होते हैं फ्लाइजालाइन में लगा होता है तो चेन ऑफ द बैसली इस तरीके से देखने को मिलता है फ्लैजलेट uh, ट्रॉट्स होती हैं और एक होता है स्पोर फॉर्म्स होते हैं और कुछ आपके विब्रियोज हो गए जैसे आपका स्पायरिले हो गया और आपका स्परोकाइटिस हो गया ये आपके सेफ ऑफ द बैक्टीरिया है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कंटेक्सट तो ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है ये आपने याद रखना है तो लिखा हुआ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टेक्नोलॉजी फॉर द ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड द डिवाइस इन द डिजिटल वर्ल्ड इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द इंक्रिप्शन एंड द साइबर सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट It is based on the digital certificate that uh, verify the identity of the machines and the users that ultimately proves the integrity of the transaction through the encryption and the description. PKI can protect the identities involved as well as the private information used in the situation where the digital security is necessary, such as the smart card logins, SSL signatures, and the encrypted documents and the more. Ach, there are the three key components: digital certificate, certificate authority and the registration authority. So let's have a digital certificate. It is a form of the electronic identification for the websites and organization-secured connection between the two communicating machines are made available through the PKI because the identities of the two parties can be verified by way of the certificates. Certificate authority ke likha It is used to authenticate the digital identities of the user which can range from the individual to computer system to servers. It can prevent the falsified entities and the manage the life cycle of any given number of the digital certificates within the system are the registration authority it is authorized by the certificate authority to provide the digital certificates to user on a cash by cash basis all the certificates that are request, uh, requested received and revoked by the both the certificate authority and the registered uh, registration authority are stored in an encrypted certificate database the pki is the best, best utilized for the situation that requires the digital security it performs the encryption directly through a key that is generated and it works by the using the two different cryptographic इज अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की दो तरीके की होती है पब्लिक की जो होता है आपका उसमें पीके आई जो सिक्योर द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड बाय द यूजिंग अ टू की इंस्क्रिप्शन सिस्टम एज इट इज पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू पार्टीज इट इज दी देन प्रोवाइड ईच पार्टी विद अ की टू इनक्रिप्ट एंड्रिप्ट द डिजिटल डाटा तो कुछ देख लीजिए कुछ आपको जो देखने मिलता है जो डिजिटल आपका बोल सकते हैं हैकिंग जो या डिजिटल जो आपका डाटा जिससे आपका क्या हो सकता है थ्रेटिकल uh, हो सकता है परेशानी आती है तो एक मालवेयर होता है आपका या आपने याद रखा है वेब बेस्ड अटैक हो सकता है वेब एप्लीकेशन अटैक हो सकता है फिशिंग uh, हो सकती है फिशिंग यानी जब आपका क्या होता है uh, जब आपका ई मेल में छिछे चुछ, चुछ, छिड़ाखानी होती है स्पैम्स होते हैं आपके आपका डिनाइल ऑफ़ द सर्विस हो सकता है रैनसम हो गया जिसमें आपकी फिरौती मांगी जाती है बॉटनेट्स uh, हो गया इनसाइडर थ्रेट हो गया आपका फिजिकल मैनिपुलेशन डैमेज थैप्ट हो सकता है लॉस हो सकता है डाटा ब्रिचेज हो सकता है आपका आइडेंटिटी थेप्ट हो सकती है इन्फॉर्मेशन लीकेज हो सकता है एक्सप्लोइ किट्स हो सकते हैं साइबर एसपोनिच आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कुछ प्रॉब्लम अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स तो लिखा प्लांट सेल्स है सेल डोज वॉल बिल्कुल सही सेलो 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 सेल वॉल होती है वाइल द एनिमल सेल डज नॉट हैव बिल्कुल सही है uh, एनिमल में क्यों नहीं होती सेल वॉल नहीं होती आपकी प्लांट सेल डो नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक द एनिमल नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है

द प्लाज्मा also called the द सेल is इज membrane found फाउंड इन all cells टू so सेपरेट ये तो बता दिया ये भी बता दिया द प्लाज्मा इज प्रजेंट इन इन द बोथ द प्लाट्स एल द एनिमल सेल्स ये बता दिया था membrane-bound बाउंड सेल ऑरिजिन इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड हेल्प सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स मतलब वेस्ट uh, प्रोडक्ट को हटाने के काम आता है इन प्लांट सेल वैक्यूल्प मेनटे द वाटर बैलेंस मैंने बताया था बैलेंस करने के काम आता है वाटर को सिंस वी नो द ठीक है ये तो मैंने बता दिया चले आगे चलते हैं तो ये दो तरीके की सेल्स होती हैं आपकी एक प्रोक्रियोटिक होती है एक यूक्योटिक होती है प्रोक्रिएटिक जिसमें न्यूक्लियस आपका अपसेंट होता है ये नीचे वाली आपकी प्रोक्रियोटिक है ऊपर वाली आपकी यूक्यूटिक है प्रोक्रियोटिक में क्या होता है कि आपका फ्लैजाला लगा होता है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है पायलस लगे होते हैं ये आपको जो दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म होता है जो आपका लिक्विड होता है राइबोसोम यहाँ पे लगा होता है प्रोटीन फैक्ट्री होती है न्यूक्लोइ्स होते हैं अंदर डीएनए लाइक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है प्रोक्रेटिक सेल में होती है यूरिट सेल की अगर बात करें तो आपका न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के इससे कनेक्टेड आपकी देखो सेल मेम्ब्रेन होती होती है डीएनए आपका वहाँ पर होता है लाइजोजोम्स होते हैं जो सोसाइड फैक्ट्री होती है राइबोसोम होता है आपका प्रोटीन फैक्ट्री माइट्रोकॉन्ट्री होती है जो आपका पावर हाउस होता सेल होता है गोल्जी ऑप्रेटर्स होता है यहाँ पर लगा हुआ साइटो होता है आपका अब यहाँ पर अलग अलग होता है जैसा अगर मैं यहाँ पर एनिमल सेल्स की अगर बात करूँ तो ये वैक्यूल होता, होता है आपका ये छोटा होता है याद रखना ये आपका छोटा होता है किसमें एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में ये बड़ा होता है काफ़ी अगर न्यूक्लियस की बात करें तो एक न्यूक्लियर एनवलप लगा होता है मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस प्रोटीन लाइंड पोर्स अलाउ मेटेरियल टू मूव एंड मूव इन एंड आउट क्रोमैटीन होता है इसके अंदर जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके न्यूक्लियस के अंदर तो डी एन ए प्लस एसोसिएट प्रोटीन होता है न्यूक्लियस होता है आपका न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस होता है आपका प्रोटीन uh, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो कंडेंस रीजन वेर द राइबोसोम आर फॉर्म्ड यहीं पर क्या होता है आपके न्यूक्लियलस में क्या होता है आपका राइबोसोम फॉर्म होता है uh, पैरी uh, लिखा हुआ है ऑक्सीज़ोम तो ये पर ये आपको दिख रहा होगा दो ग्रीन बॉल्स दिख रही आ, करता है होता है और वो आपका क्या करता है सेक्रेट करता है मैमब्रेन को और मैमब्रेन को कौन सी प्रोटीन की जबकि स्मूथ वाले क्या करता है लिपिड्स को बनाता है लिपिड्स मतलब फैट्स को फिर होता है साइटोस्कलैटिन माइक्रोट्यूबल्स होते हैं आपके यहां पे देख लीजिए

उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है ये तो आपका क्या होता है बैलेंसिंग किल होता है और माइक्रोकॉन्ड्रिल होता है ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है एनर्जी को ठीक है ना तो यहाँ पर ये दोनों मैंने बता दी इनमें जो कॉमन टर्म्स होती हैं सेल मेमब्रेन होती है दोनों में राइबोसोम आपका लगा होता है तो ये कुछ आपकी जो दोनों में आपको देखने को मिलता है बाकी कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं आपकी अच्छा ये एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल्स में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वैक्यूल दिख नहीं रहा यार वैक्यूल है बस इतना है आप ना जो प्लांट सेल्स होती है उसमें वैक्यूल आपके बड़े होते हैं ये आपका वैक्यूल हाँ ये देख लीजिए ये वैक्यूल है आपका यहाँ पर तो प्लांट सेल में ये बड़ा होता है आपका वैक्यूल ठीक है ना इनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो मैंने पीछे दिखाया था आपको इस तरीके से यहाँ पर है आपका ये वैक्यूल छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको एनिमल सेल्स में देखने मिलेंगे यहाँ पर तो होता नहीं है नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर्स ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द बैंज पॉल्यूशन तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है टोबैको स्मोक होता है वुड बर्निंग होता है यूजिंग द वर्नस्ट वुडन फर्नीचर होता है यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेड बाय द पोलेरिथेन तो सारे के सारे आपके ऑप्शन के सही हैं तो लिखा हुआ है बैनजिन इट इज़ अ केमिकल दैट इज कलरलेस और द लाइट येलो लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इट इज़ नॉट ओनली द स्लाइटली इन द वाटर एंड विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर इट इज हाईली फ्लेवेबल होती है आपकी इट इज मतलब एयर में इट इज़ फॉर्म फॉर्म्ड फ्रॉम द बोथ द नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन एक्टिविटीज इट इज फाउंड इन द क्रूड ऑयल्स एंड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेसिस इट इज़ नोन एज अ कार्सिनॉलेज कार्सिनो कार्सिनोजेन कार्सिनोजेन एंड इज लिंकड इन द इनक्रीज ऑफ द डेवलपमेंट इन द लिम्फेटिकमोटोपोटिक कैंसर्स एक्यूट माइलोजीनस एंड द ल्यूक्योमिया एज वेल एज क्रॉनिक लिम्फोटिक ल्यूक्यूमिया एनसी आई ओ फाइव यूजर देख लिया इट इज़ यूज इन द वेरी लार्ज क्वांटिटी टू मेक अदर कैमिकल दट आर यूज टू मेक द प्लास्टिक रेजिन हो गया रेजिन हो गया आपका नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर में यूज हुआ इट इज़ यूज टू मेक दाइब्स ऑफ द रबर्स Lubricant dyes and the detergent drugs and the pesticides. It is also used in the paints, glues, and the furniture wax exposure. Decline, the benzene is degraded rapidly in the upper atmosphere. Next, because of its solubility in the water and the minor amount may be removed by the rain to contaminate the surface water and the soils, chronic exposure to benzene can reduce the production of both the red and the white blood cells from the bone marrow in the human, resulting in the a plastic anemia milk that Benzene is a byproduct of the combustion of the tobacco in, in the cigarette. Okay. Benzene is also found in the wood smoke and the automobile exhaust. The resin and the solvent used in the varnish are the toxic if ingested. Many varnish products contain the benzene. During the fires, polyurethane forms burn rapidly and the produce the dense smoke, toxic gases, in the benzene. If we know that using product made of the polyurethane uh, product benzene, we can remove all the option through the elimination. तो इस तरीके से देख लीजिए कुछ आपके माइक्रोपोपोलिटेंट्स हो गया मीथेन हो गया बेंजीन भी आता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कार्बन ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और आपका फॉर्मेलिटी हो गया नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड लास्ट इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर विथ ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया तो लिखा हुआ नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरन बोरिंग बिल्कुल सही है हमें लॉन्ग टर्म की तरफ ज़्यादा डिपेंड करना होगा तो ये सही है ओपनिंग अप ट मोर फॉरन बैंक नहीं इसका क्या फ़ायदा होगा आप ज़्यादा फॉरन बैंक क्लोज हो बैंक रफ्टी अगर उन्हें देखने को मिल गई इंसॉल्वेंसी देखने को मिल गई तो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं मैंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कंटेबिबिलिटी फुल बोल रहा है नहीं फुल से काम नहीं चलेगा तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर मैं पढ़ देता हूँ तो लिखा हुआ है capital account convertibility, it means the freedom to convert the rupee into the, any foreign currency and the foreign currency back into the rupee for the capital account transaction. it leads to the free exchange of the currency and the lower rate and the unrestricted movement of the capital. the short-term debt are the debt that are to be returned in a shorter intervals. if india is not dependent on the short-term foreign borrowings, it means that it does not have to worry about the pay, uh, paying back in the near future. in this case of the global financing crisis, india will be immune if it does not depend on the short-term debts. During the global financial crisis, on the by the foreign banks reduced their lending and the choose to retreat from the cross-border banking in the general, including through cutting back on the new entry. Hence, opening up foreign banks cannot provide immunity. Capital account uh, con convertibility means that there is no restriction on the con uh, conversion of the domestic currency into foreign currency, any uh, deterioration in fiscal condition, inflation management, the balance of the payment, or any other economic crisis may. कॉज स्टॉपेज और रिवर्सल ऑफ द कैपिटल फ्लोज आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इफ यू विदड्रॉ द वन लैख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एग्रीगेट मनी सप्लाई इज इन द इकोमी कोई चेंज देखने टू लीव इट अनचेंज पढ़ लेता हूँ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है क्या इट कंसिस्ट ऑफ द फंड हैल्ड इन द बैंक अकाउंट फ्रॉम द डिपॉजिट फंड कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम वाइल अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम तो देख लीजिए जो आपका, जो आपका होता है डिमांड जो होता है किसी भी टाइम कर सकते हैं और टर्म डिपॉजिट आपका प्री डिटरमाइंड होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आर द डिमांड डिपॉजिट ये कैसे होता है आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं किसी भी टाइम आप निकाल सकते हैं सम बैंक आर आज दियर कस्टमर टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट द मनी सप्लाई इन द मोस्ट टोटल सॉरी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी अवेलेबल इन द इकॉनमी एट द पॉइंट ऑफ द टाइम मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ द टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग द पब्लिक प्लस

और एन एम टू एन एम थ्री ये आपके कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये आप याद कर सकते हैं तो ये था आपका इकतालीस से लेकर पचास तक का क्वेश्चन uh, और इसका जो पी डी एफ है मैं यूट्यूब में सॉरी व्हाट्सएप uh, uh, ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि मेरे द्वारा बनाएंगे जितनी वीडियो है वहाँ को टाइम टू तो टाइम मिलती चली जाए हम फेसबुक पर भी वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी हम वहाँ पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हिंद जय भारत